इस वेल की वड्डी खबर की गल कर रहे हैं। लिविंग इंडिया न्यूज़ की खबर का असर वेखण नूं मिलिया। मनजीत सिंह दे परिवार के लिए 50 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया। फ्रंटलाइनर के तौर पर मुआवजे का ऐलान किया गया। दस दिए कि लगातार मंग चुकी जा रही थी। पहला सरकार ने 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। फिर दस दई है कि PRTC का ड्राइवर से मनजीत सिंह जो कि इंदौर के दिल का दौरा पैन के नाल जिसकी मौत हुई थी, पर कोरोना महामारी के काम कर रहा है, नंदेड़ साहब तो संगत लैन गया। आम आदमी पार्टी के प्रधान पंजाब भगवंत मान साडे नाल मौजूद ने गलबात लई। जी मान साहब, की कुछ कहना चाहते हो? देखो, असी लगातार यही मांग कर रहे थे अपनी पार्टी वालों भी कि जिहड़ा 50 लाख रुपए का मुआवजा मनजीत सिंह होरां दे परिवार नूं दिता जाए, क्योंकि उन्हां दी स्पैशल ड्यूटी लगी थी कोरोना दे दौरान। नांदेड़ साहब तो जिहड़ी संगत जिहड़े श्रद्धालु उत्थे स्टक हो गए सी, उन्हां नूं लैके आउण दी वो कोई रूटीन दा रूट ते नहीं जांदे सी, हर रोज नहीं जांदे सी। सो स्पैशल ड्यूटी लगी सी ते उन्होंने ड्यूटी नूं ड्यूटी समझिया ते अपना परिवार की परवाह ना करके वो लोगों उन्होंने परिवार ना मिलाने वास्ते वो जा रहे थे। इंदौर के नेड़े उन्होंने मौत हो गई थी। सो 1 मई में मजदूर दे वाले दिन असी पूरे पंजाब दे विच मैं भी मनजीत सिंह हां नाम की एक मुहिम भी चलाई थी, जिस विच तुसी भी मीडिया वाले ने सारा साथ दिता, वड्डी कवरेज की। तो फिर अज मेरी लगातार चीफ सैकटरी साहब गल हुंदी रहिंदी सी, तां उह कहिंदे सी कि कैबिनेट दे विच यह फैसला मुख्यमंत्री ने करना है, असी उत्थे रख दित्ती गई गल। अज मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके भी दस्सिया, वैसे नोटिफिकेशन भी जारी हो गया कि जिन्हें भी चाहे वह आउटसोर्सिंग वाले ने, चाहे वह कॉन्ट्रैक्ट से रखे हुए ने, चाहे वह डायरैक्ट लड़ाई लड़ रहे सरकारी मुलाजम सेहत विभाग नाल संबंधित या एंबूलेंसा के ड्राइवर या पुलिस वाले, जो उन्हों की कोरोना लड़ाई दौरान रब ना करे जिन्हें मौत हो चुकी है उन्होंने 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिता जाऊगा। मैं अपने वीडियो अपनी सोशल मीडिया से पा के मैं ये भी कहा कि जे गवर्नमेंट जिहड़ी है कोई चंगे फैसले करती है तो असीं स्वागत भी करांगे उहनां दा। पर मान साहब सवाल होई है ना, एक तो सब तो पहली गल इन्हां ने लिस्ट जिहड़ी है प्रॉपर पता नहीं बनाई है, पता नहीं कि कहड़े कहड़े लोग इस च शामिल होणगे जिहड़े कोरोना वॉरियर ने, किनूं किनूं मानदे ने। दूजा इह है कि मंग स्पैशल रखणी पएगी बार बार? हांजी नहीं, इह डिटेल नोटिफिकेशन आऊगी। जो फिलहाल जो जे आपां कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दा ट्वीट पढ़िए उहदे विच उह कहिंदे ने चाहे उह कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ने, चाहे आउटसोर्सिंग स्टाफ है, ते भावें उह सीधा डायरैक्ट साडा सरकार दा स्टाफ है, ते जिहड़े फ्रंट वैरियर ने अगे होके लड़ रहे ने उहनां जे जान गवा चुके ने जिहड़े, जिहनां च मेरे ख्याल च फिलहाल तां रब ना करे कोई इस तरह की मैं असीं गिणती इह वधे, पर फिलहाल एक तां जिहड़े ACP लुधियाणा कोहली साहब, ते उस तो बिना एक कानू गो, एक मंडी अफसर ते एक मनजीत, चार ही ने मेरे ख्याल फिलहाल। हां जी हां जी। सो परमात्मा की अरदास करांगे कि इह इन्हां दी जिहड़ी गिणती है साडे योधियां दे मरण दी गिणती ना वधे। सो मैं स्वागत करदा इस फैसले दा, ते नाल नाल मैं इह वी कहना चाहुंदा कि विरोधी धिर दा फर्ज हुंदा है कि लोकां दीआं समस्यावां नूं सरकारां दे कन्नां तक पहुंचावे, ते सरकारां दा फर्ज हुंदा कि उहनां नूं जो मंगा मानदे ने, तां असीं कोई वी आर नॉट क्रिटिक बाय हैबिट, सानू कोई आदत नहीं हैगी निंदा करन दी, तां पर जे सरकार कोई चंगा फैसला करदी है असीं स्वागत करदे। पर इह वी चंगी गल है, वधाई दे पात्र वी हो कि मंग जिहड़ी सुणी वी गई है और उस दे चलदे तुहाडी मंग जे उठी तां गरीब परिवार नूं पैसे वी मिल जाणगे। जी, सरकारी नौकरी दा ऐलान भोग तो पहला ही कर दिता सी गवर्नमेंट ने, पर हुण 50 लाख रुपया मिलूगा तो गरीब परिवार दे सिर ते छत है नहीं, छोटे छोटे उन्हां दे बच्चे ने, भतीजे ने, इहदा विआह नहीं होया इस मुंडे, सो दो परिवार उस मुंडे ते डिपेंडेंट सीगे। सो हुण थोड़ा चलो 50 लाख रुपए नाल मनजीत सिंह तां नहीं वापस आ सकदा, पर घटो घट ही है परिवार जिहड़ा उहदा जिहड़ा गुजारा जिहड़ा उहदी चिंता उहनां नूं मिट जूगी थोड़ी। ठीक है मान साहब, शुक्रिया बहुत बहुत जुड़न दे लई। सो कुल मिला के एक मंग उठी, जिस तों बाद लगातार प्रमुखता दे नाल लिविंग इंडिया ने भी इस मंग नूं उजागर किया, और खास तौर पर क्योंकि जिहड़े कोरोना वॉरियर ने जिन्हां नूं पता है कि असीं घरों बाहर निकलांगे, इकट्ठ च जावांगे, किसी की कोई सेवा भी करांगे, अपनी ड्यूटी भी निभावांगे, तो इस वेले असीं अपनी जान जोखिम दे विच पा के काम कर रहे हैं, उस लिहाज दे नाल मनजीत सिंह नूं इह मुआवजा दिता गया कोरोना वॉरियर के तौर पर।